स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ऑल गुड? ओके, तो आज हम अपने मैथ्स का टॉपिक करेंगे क्या, मनी, पैसा। सबको अच्छे लगते हैं, है ना? मम्मी से मम्मी 5 रुपीज दे दो, चॉकलेट लानी है, कुरकुरे लाने हैं, चिप्स लाने हैं, लेते हो ना? चलिए, तो आज उसी के बारे में स्टडी करेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस में सीखा था, हमने हमारी करेंसी क्या है, रुपया। तो रुपये ही मांगते हो मम्मी से, मम्मी 5 रुपीज दे दो, मम्मी 10 रुपीज। कभी पैसे मांगे हैं कि मम्मी 1 पैसा दे दो, 2 पैसे दे दो? क्यों? क्योंकि वो चलते ही नहीं है, कोई लेगा ही नहीं आपसे, है ना? उसका तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए हम आज स्टडी करेंगे मनी, ठीक है, रुपया। कैसे कैसे आप कभी मार्केट में मम्मा के साथ कुछ सामान लेने जाते हो, ठीक है, मम्मा कभी फ्रूट्स खरीदने जाए, कभी वेजिटेबल खरीदने गए, तो आप कैसे, जो जिससे आप लेते हो, खरीदते हो सेलर से, तो किस तरीके से हिसाब करें उनको, कैसे पैसे दे, कितने वो हमें वापस देंगे या हमें उनको कितना दे देंगे, ये आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। तो ध्यान से देखना, ठीक है, और स्टडी करना इसको। ओके बेटा, चलिए। तो सबसे पहले आता है 1 रुपीज, ठीक है, हमने साइन देखा था ना, क्या साइन होता है, ये साइन होता है, ठीक है, या फिर आप रुपी भी लिख देते हैं। ओके, अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं कौन बताएगा? पता है किसी को कितने होते हैं बेटा? 100, यानी कि जब 100 पैसे, 100 पैसे मिलकर कितना होता है, 1 रुपी बनता है। कितने रुपये बनते हैं? 1 रुपी। पहले, बहुत पहले पैसे भी चलते थे, आपने कई बार देखा होगा 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, अभी तो बंद है, कोई नहीं लेता है, किसके पास भी लेंगे भी नहीं। लेकिन पहले हम जब छोटे थे, हमने खुद देखा है 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, ठीक है, 50 पैसे का सिक्का लेके जाते थे शॉप पे, हमें टोफिया लेके आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में उनको बंद कर दिया, क्योंकि हमारी करेंसी क्या है, रुपया है। ओके, तो 100 पैसे में कितने बनते हैं बेटा? 1 रुपये, ठीक है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। अब आता है कि हमारे रुपये भी कुछ 3 नोट चलते, ये तो नहीं आप कहो किसी को जाके कि मुझे 30 रुपये का नोट दो, 30 रुपीज का तो नोट होता नहीं है। तो किस किस के होते हैं? 1 रुपीज का सिक्का होता है, फिर 2 रुपीज का सिक्का होता है 2 रुपए का, उसके बाद 5 रुपीज का सिक्का होता है, उसके बाद आता है 10 रुपीज का नोट मिलता है आपको, जो कागज का हमारा नोट होता है वो 10 रुपीज का होता है, उसके बाद 10 का सिक्का भी आता है, 5 का भी, ऐसे 5, 2 और 1 इनके नोट भी आते हैं और सिक्के भी आते हैं। लेकिन सिक्के 5 का ज्यादा से ज्यादा, 10 का सिक्का भी अभी बहुत कम चलता है, बहुत कम देखने को मिलता है आपको, ज्यादातर हमें किनके सिक्के देखने को मिलते हैं, 1 के, 2 के हैं, 5 के, 5 के, ये 3 सिक्के होते हैं हमारे पास। ओके, देन 10 का नोट, फिर 20 का, देन फिर 50 का नोट होता है, 50 रुपीज का, उसके बाद 100 रुपीज का नोट होता है, देन 500 रुपीज का नोट, और फिर 2000, ठीक है। सबसे छोटा रुपीज का क्या होता है, सिक्का बनता होता है, और सबसे बड़ा हमारे पास है 2000। 2000 से बड़ा कोई हमारे पास नोट नहीं है, कोई करे
गए भी होंगे, मम्मा के साथ जाते हैं हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, ठीक है। तो एक चार्ट आता है हमारे, हम एक बिल का चार्ट बनाते हैं, कभी कपड़े लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, या फिर और कुछ फल वगैरह कुछ भी फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं, तो एक प्राइस का फिर देखा वो खुद का दुकानदार जो होते हैं, शॉपकीपर जो होते हैं, वो बिल बना कर देते हैं। तो वो बिल किस तरीके से बनता है, ठीक है, वो देखें। चलिए सबसे पहले मैंने आइटम लिया बन, नंबर वन पे आ गया, तो मैंने क्या खरीदा, कुछ भी खरीद सकते हैं हम। चलिए आपके बुक में दिया हुआ है कि हेयर बैंड, एक हेयर बैंड खरीदा, ये क्या है, सीरियल नंबर, नंबर वन पर हेयर बैंड। आप नंबर हो कितने नंबर सारे, कितने नंबर है हेयर बैंड, कितने खरीदे, मैंने 4 हेयर बैंड खरीदे, ठीक है। That rupees, अब रुपीज यहाँ होगा बट क्वांटिटी का, यानी कि एक रबर हेयर बैंड का प्राइस क्या है, एक हेयर बैंड का प्राइस है 8 रुपीज। एक हेयर बैंड कितने रुपए का बेटा, सॉरी आगे लगता है सिंबल, एक हेयर बैंड कितने का है, 8 रुपीज का। मैंने 4 हेयर बैंड खरीदे, ठीक है, एक हेयर बैंड 8 रुपीज का मैंने कितने खरीद लिए, 4 खरीद लिए। अब यहां क्या होगा टोटल, अब टोटल बताओ कि कितना आ जाएगा। तो हम यहां क्या करेंगे, टोटल में एक आया 8 रुपीज का, हमने कितने खरीदे थे, हमने 4 खरीदे थे। अब हमने मल्टीप्लाई भी सीखा हुआ है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 सा पता ही चल कितनी है, 32, 8 4 सा 32, तो ये कितने रुपीस हो गए टोटल, यहाँ पर 32 रुपीस हो गए। चलिए नंबर टू आइटम है, मैंने खरीदे हैं गुलाब जामुन, क्या खरीदे, गुलाब जामुन, ओके, गुलाब जामुन खरीदे कितने, 2 केजी, कितने खरीद लिए, 2 केजी का डब्बे आते हैं, जो डब्बे आते हैं, तो मैंने 2 डब्बे खरीदे, 2 केजी खरीदे। अब 1 केजी गुलाब जामुन कितने का है, 1 केजी गुलाब जामुन है फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज का, 1 केजी गुलाब जामुन कितने रुपीज का है, 50 रुपीज का, ठीक है। मैंने 2 केजी खरीदे और 1 केजी का, क्योंकि यहाँ जो रुपीज होंगे, यहाँ ये जो होगा ये 1 का, यानी कि एक सिंगल यूनिट का प्राइस होगा, ठीक है। जो भी हम यूनिट्स खरीदेंगे, हम 4 खरीदे, 5 खरीदे, कितने खरीदे, यहाँ प्राइस सिंगल यूनिट का होता है कि वो एक चीज कितने की है, ठीक है। तो गुलाब जामुन हमने 2 केजी खरीदे, 1 केजी आ गया 50 रुपीज के, तो 2 केजी अब क्या करेंगे हम, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने रुपीज का हो गया टोटल, 20 0 0 25 10, यानी कि 100 रुपीज के हमने ले लिए गुलाब जामुन, ओके। अब ये तो हो गया, अब फिर क्या करते हैं यहाँ पर, ये टोटल, यानी कि रबर बैंड भी लिया, गुलाब जामुन भी लिए, अब टोटल रुपीस हमें उसको कितने देंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे मनी लाइन है टोटल, हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस, तो 0 में 2 प्लस करेंगे 2, 3 3 और 1 1, तो टोटल जो है हमें, जो शॉपकीपर है उसको कितने रुपीस देने हैं बेटा, 130, कितने रुपीस, 32, कितने रुपीस देने हैं, 132, ठीक है। रुपीस में बेटा मैंने एक चीज मिस कर दी आपको बताने के लिए, कि अभी 200 के नोट भी चलने लग गए है ना, तो हमने तो 100 के बाद फिर क्या 500 का, लेकिन आ गया 200 का नोट भी अभी आता चलने लग गया है, ठीक है, तो हम भूल गए थे, स्किप कर दिया था हमने। तो किस किस के नोट है हमारे पास, अब बड़े अगर हम 10 से ऊपर बात करें तो 50 का, 100 का नोट, 200 का, फिर 500 और फिर 2000, ठीक है बेटा। चलिए अब शॉपकीपर को हमें पैसे देने हैं, ठीक है, तो मुझे 132 रुपीज देने, तो मैं क्या करूं, 100 का नोट ले लूं, ठीक है, और एक 10 का, एक 20 का और एक 2 रुपीज के सिक्के, ये ले सकती हूँ ना, तो मेरे बन जाएंगे 132 रुपीज, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, अब मेरे पास मेरे पॉकेट में 200 का नोट भी है, ठीक है,
मेरे पास क्या है 200 का नोट भी है और खुले नहीं, अगर मेरे पास ये छुट्टे रुपीज है तो मैं ये दे दूंगी, अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम उसको 200 रुपीज दे देंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे कि भाई वो इसमें से 130 माइनस करेगा, जितना हमारा सामान आया जो हमने उससे खरीदा है वो इसमें से माइनस करेगा। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, वो क्या करेगा हमें 68 रुपीज वापस कर देगा, ठीक है, रिटर्न कर देगा कि आपका सामान इतने का बना था, आपने मुझे एक्स्ट्रा रुपीज दिए थे, तो आपने पैसे काट कर बचे हुए पैसे हम उससे वापस ले लेंगे, कितने रुपए हमें वापस दे दीजिए, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं कि हम किसी को पैसे दें, तो या तो एग्जैक्ट हम पैसे देते या फिर हम ज्यादा देते, तो जितने का हमारा सामान हम ला दे बनता है उसमें से माइनस कर दिया और बचे हुए पैसे हमारे पास आ गए, ठीक है। यही